लोन कब दिया गया था? जब मनमोहन सिंह थे प्रधानमंत्री। ऑफ यस बैंक टू सम ऑफ द वेरी स्ट्रेस्ड कॉर्पोरेट्स हैज बीन सिंस बिफोर 2014. Since before 2014. तो हुआ सही हुआ, बिकॉज मैंने अपने प्रधानमंत्री जी को वोट किया है एज अ भारतीय नागरिक और मैं उन पर विश्वास करती हूँ। सितंबर 2019 में पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के खाता धारकों की हालत देखने के बाद यस बैंक के खाता धारकों को सिर्फ यह कह देने से नींद नहीं आने वाली है कि वे परेशान ना हो। तो इस प्रकार की वाहियात, डाइग्रेशन, डाइवर्जन और डिस्टॉर्शन की राजनीति से आप समझते हैं कि आप लुभा रहे हैं, आप अपनी और अपने पार्टी का मजाक उड़ा रहे हैं। होली के दौरान यस बैंक अपने बेहद बुरे दौर से गुजर रहा है। यस बैंक पर अब आरबीआई ने पाबंदियां लगा दी हैं। कोई भी ग्राहक एक महीने में 50,000 रुपए से ज्यादा की रकम नहीं निकाल सकता है, लेकिन इस पूरे मामले पर सरकार और आरबीआई ने एक्शन तेज कर दिया है। हालांकि आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने मीडिया को मामले की जानकारी देते हुए कहा कि हमने 30 दिनों के लिए ये लिमिट लगाई है, जल्द ही आरबीआई यस बैंक को संकट से निकालने के लिए तेजी से कार्रवाई करेगा। वी हैव द रिजर्व बैंक हैज इशूड यू नो हैज इन फैक्ट इशूड टू प्रेस स्टेटमेंट्स प्रेस ब्रीफ्स यस्टरडे। दे एक्सप्लेन इन डिटेल द बैकग्राउंड ऑफ आवर डिसीजन एंड योर क्वेश्चन वाज हाउ सून इट विल बी डन। It will be done very swiftly. It will be done very fast. 30 days which we have given is the outer limit. And you will see, very swift action from the Reserve Bank of India to put in place a scheme to revive the Yes Bank. Yes Bank की स्थापना साल 2004 में हुई। 2004 से लेकर 2014 तक मनमोहन सिंह की सरकार थी। तब बैंक को राणा कपूर संभाल रहे थे। राणा कपूर यस बैंक के को-फाउंडर, पूर्व एमडी और सीईओ हैं। राणा कपूर ही थे जिन्होंने जमकर रिस्क लिए, उन्होंने अनाप शनाप लोन दिए। इन 10 वर्षों में यस बैंक ने 55,000 से ज्यादा करोड़ के लोन दिए। 2014 में सत्ता में मोदी सरकार आ गई और बैंक ने अचानक से लोन देने की रफ्तार और तेज कर दी। 2014 से 2019 के बीच यस बैंक ने 1,86,000 करोड़ के लोन दिए। जिन कंपनियों को अन्य बैंक लोन देने से इनकार करती थी, उसको यस बैंक लगातार ऊंची ब्याज दरों पर कर्ज देती रही। इन कंपनियों में कैफे कॉफी डे, जेट एयरवेल्स, वोडाफोन, अनिल अंबानी समूह, एसएल, बीएचएल, वीडियोकॉन और आईएलएफएस उन संकट ग्रस्त कंपनियों में शामिल हैं। इन सभी को यस बैंक ने कर्ज दिया था। इन सभी कंपनियों में से कुछ पूरी तरह से डूब चुकी हैं और कुछ संकट ग्रस्त हैं। इसकी जानकारी निर्मला सीतारमण ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी दी, पर उन्होंने सारा दोष कांग्रेस सरकार पर डाल दिया। अगर आंकड़े देखें तो सबसे ज्यादा लोन यस बैंक ने मोदी सरकार के कार्यकाल में दिए। द एक्सपोजर ऑफ यस बैंक टू सम ऑफ द वेरी स्ट्रेस्ड कॉर्पोरेट्स हैज बीन सिंस बिफोर 2014 आई वुडंट इवन माइंड टेकिंग देयर नेम्स बिकॉज ऑब्वियसली these are public domain information. I'm not violating anybody, any customer's privacy. Anil Ambani Group, SL Group, DHFL, IL&FS, Vodafone are some of those very stressed corporate to whom Yes Bank has been exposed. And this is from prior to 2004. Now if I say all this, why do I say it here? I see the opposition being very keen to point a finger at this. I'm not here to continue carrying the stories of legacy. Legacy, yes, the Indian banking system has had severe challenges thanks to the way in which the government which existed between 2004 and 2014 had handled the matters the way they handled it. But I'm not saying it because I have to put the blame on them. But I have reasons to put the blame on them. I'll give you even instances. They are telling us about. और निर्मला जी, हमारी वित्त मंत्री जी ने विस्तार से बताया है कि जिन लोन के कारण यस बैंक की हालत दमाडोल हुई है, वो लोन कब दिया गया था? जब मनमोहन सिंह थे प्रधानमंत्री, श्रीमान वित्त मंत्री चिदम्बरम साहब थे, फोन बैंकिंग होती थी ना, इसको लोन दो, उसको लोन दो, इसको लोन दो और उससे कट लो। ये कट लेने का सिस्टम जो चलता था, उसके कारण संस्थाएं परेशान हो गई।
गंभीरता से देखें तो इन कंपनियों पर विपत्ति वर्ष 2016 के बाद आई नोटबंदी नामक पर कार्रवाई ने पहले से कमजोर कंपनियों का दिवाला निकाल दिया। यस बैंक भी इसमें फंस कर अपनी पूंजी गवा बैठा। 2017 में बैंक 6,355 करोड़ रुपए की रकम को बैड लोन में डाल दिया था। इस बात की जानकारी आरबीआई को मिली और उसने बैंक पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। इसके बाद यस बैंक के शेयर भी गिरने लग गए। ये वह झटका था जिसके बाद यस बैंक फिर उभर नहीं सका। अनंदिया चक्रवर्ती ने न्यूज क्लिक पर अपने प्रोग्राम में यस बैंक के शेयर पर कब कब ये क्या क्या असर पड़ा इसकी बात भी की। जुलाई 2015 में जब UBS की रिपोर्ट निकली थी तब यस बैंक का शेयर का दाम लगभग 174 रुपए था। मई 2017 में जब हेमेंद्र हजारी ने अपना लेख लिखा उसके बाद भी यस बैंक का शेयर चढ़ता गया और अक्टूबर 2017 तक उसका दाम जाकर 370 रुपए हो गया। सब बातें सामने थी फिर भी स्टॉक मार्केट के गुणी लोग इस बैंक के शेयर में अपना पैसा डालते रहे। अगस्त 2018 तक यस बैंक का शेयर 393 रुपए का हो गया था। सोचिए UBS की रिपोर्ट के बाद भी 3 साल में 2 गुना से भी ज्यादा यस बैंक का शेयर बढ़ गया। इस वक्त यस बैंक लगभग खत्म हो चुका है। शेयर का असली मूल्य 0 है, बिल्कुल 0। ये संकट एक बैंक डूबने का नहीं पूरे भारतीय बैंकिंग सिस्टम की मर रही साख है जिसमें कोई भी बैंक नहीं बचेगा। रविष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने अपने शो में यस बैंक के मौजूदा हालात के बारे में बात की। सितंबर 2019 में पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के खाता धारकों की हालत देखने के बाद यस बैंक के खाता धारकों को सिर्फ यह कह देने से नींद नहीं आने वाली है कि वे परेशान ना हो कि डिजिटल बैंकिंग ने बैंक के काम को कैशलेस और फेसलेस बनाने का जो दावा किया था वो ऐसे वक्त में हवा हो गया है। शुक्रवार को शेयर बाजार में यस बैंक के शेयरों की कीमत में भारी गिरावट आई। 29 मार्च 2019 को इसके एक शेयर की कीमत 276 रुपए थी, अब एक साल के भीतर इसकी कीमत गिरकर 16 रुपए हो गई है। ग्राहक और निवेशक दोनों को झटका लगा है। विपक्ष भी लगातार सरकार की नीतियों पर आलोचना कर रहा है कि कृपया मालवीय जी, उनकी पार्टी, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, बीजेपी हमें ये बताएं कि यस बैंक और राणा कपूर की जो लोन बुक है वो 2014 के 55,000 करोड़ के फिगर से 2019 उनके 5 साल के पहले मोदी 1.0 कार्यकाल में 2,41,000 हुई कि नहीं, यानी 2,00,000 करोड़ की वृद्धि हुई कि नहीं। नंबर 2, इसमें से 3 साल में से इस 5 साल में से सिर्फ 2 वर्षों में 2016 से 18 के बीच में क्या वृद्धि 98,000 करोड़ से 2,00,000 करोड़ हुई, यानी 100%। मैं 16 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उस वक्त जादुई छड़ी नोटबंदी की गई थी। नोटबंदी के बाद लोन बुक की वृद्धि 100% हुई, करीब करीब 1,25,000 करोड़ से। तीसरा, इस सब में क्या माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री, माननीय वित्त मंत्री और माननीय मालवीय जी सो रहे थे, प्रश्न पूछ रहे थे, मिले हुए थे, जानकार थे, अज्ञानी थे, कुछ तो कहिए। और 2010 के बाद जब लोन बुक 2,00,000 करोड़ से यस बैंक की बढ़ती है और आम आदमी का डिपॉजिटर क्यू में खड़ा है, तब आप ये प्रश्न पूछ के उसका उत्तर देते हैं। और जो गोदी मीडिया आपके प्रश्न को रिपोर्ट करती है वो ये नहीं कहती कि ये बाकी फिगर्स क्या हैं। तो इस प्रकार की वाहियात, डाइग्रेशन, डाइवर्जन और डिस्टोर्शन की राजनीति से आप समझते हैं कि आप लुभा रहे हैं, आप अपनी और अपने पार्टी का मजाक उड़ा रहे हैं। इट शोज कंप्लीट रेगुलेटरी फेलियर एंड आई वंडर if this is the end or there will be more in the line. Yet the government keeps absolutely silent. As far as the PMC bank is concerned, the depositors are agitating every day on the streets of Mumbai before the central government offices and the RBI. The government doesn't respond. Now let's see what the depositors and other stakeholders and Yes Bank too, I think they are as worried as the depositors of PMC Bank, and let's see what unfolds now. There's no need to panic. Do you really think that this is a... What else will RBI say? Obviously there's no need to panic. Nobody is suggesting we should panic. All that we are asking is questions. Where was the regulatory failure? Yes Bank संकट पर SBI के चेयरमैन रजनीश कुमार ने कहा है
कि येस बैंक में जमाकर्ताओं का पैसा पूरी तरह से सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि SBI येस बैंक में 2450 करोड़ का निवेश करेगा। रजनीश कुमार ने कहा कि SBI बोर्ड ने येस बैंक में 39% तक की हिस्सेदारी लेने की मंजूरी दे दी है। करंटली देयर आर 255 करोड़ शेयर्स आउटस्टैंडिंग एंड एज पर द ड्राफ्ट स्कीम SBI कैन टेक अप टू 49%। द ओनली रिक्वायरमेंट इज दैट देयर इज अ लॉक इन ऑफ 26% फॉर 3 years. So it sets in a way the boundary. So minimum 26% for 3 years, that is a sort of an obligation that is part of the scheme. Anything above that, up to 49%, depending upon what is the interest from other investors, what is the total capital requirement, the bank's investment would be determined. So beginning, how 2450 crore has come, because 255 crore shares are outstanding, then if we have to take 49%, then 245 crore shares multiplied by 10, so 2550 crore. That is how the figure has come. So to that extent, this figure is correct, that if today, if SBI goes solo and picks up 49% stake, then immediate investment requirement is 2450 crore. जो अंधभक्त हिंदू मुसलमान करते हैं और मोदी सरकार की हर काम पर उनका सपोर्ट करते हैं और विरोधियों की आलोचना करते हैं, जब संकट उन पर आता है तो वे सरकार से मदद की उम्मीद करते हैं। ऐसा ही वाक्य हिंदू एक्टिविस्ट पायल रहतोगी के साथ हुआ दिखा। पायल ने यस बैंक पर की गई कार्रवाई के तुरंत पर एक ट्वीट किया था, लेकिन जल्दी ही उसे डिलीट कर दिया। पायल ने अपने ट्वीट में लिखा, राम राम जी, यस बैंक पर की गई कार्रवाई से नहीं लगता कि अर्थव्यवस्था की स्थिति ठीक है। यस बैंक के ऊपर हुई इस कार्रवाई से मेरे पापा के पैसे भी फंस गए हैं। बाद में उन्होंने ट्वीट डिलीट कर दिया और इस पर एक वीडियो फुटेज भी जारी किया। नमस्ते, मैं हूँ पायल रोहतगी। बहुत सारे लोग मेरे पे आरोप लगा रहे हैं कि मैं जो हर दम हिंदू मुस्लिम कर रही हूँ, आज भारत की इकोनॉमी के ऊपर बात कर रही हूँ, क्योंकि मैंने येस बैंक के ऊपर एक ट्वीट किया जहाँ पे मैंने प्रधानमंत्री के अकाउंट को टैग किया। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि मैं एक हिंदू हूँ, मैं टैक्स भरती हूँ, मैं ऑब्वियसली इस्लामिस्ट फंडिंग द्वारा अपना घर नहीं चलाती। मेरे फादर भी एक हिंदू है, वो भी टैक्स भरते हैं। जो लोग टैक्स भरते हैं उनका बैंक अकाउंट होता है। लिबरल्स जो खुद हिंदू मुस्लिम करते हैं, भारत के मुसलमानों को आते हैं सरकार के खिलाफ, भारत के अंदर पथराव करते हैं, बसेस को जलाते हैं, वो ऑब्वियसली भारत की इकोनॉमी का नाश करना चाहते हैं। तो मेरे ये ट्वीट को आप मेरे को टारगेट करने के लिए यूज मत करिए, क्योंकि मैं कोई भी सिचुएशन में विक्टिम नहीं बनती हूं। जो हुआ सही हुआ, बिकॉज मैंने अपने प्रधानमंत्री जी को वोट किया है एज अ भारतीय नागरिक और मैं उन पर विश्वास करती हूं। 2005 में 300 करोड़ रुपए की IPO के साथ शेयर मार्केट में धमाल मचाने वाले येस बैंक ने जितनी जोरदार शुरुआत की थी, उतनी ही तेजी से गिरावट की ओर भी पड़ा। बैंकिंग सेक्टर में येस बैंक की ख्याति हमेशा रिस्की कर्जदारों को लोन बांटने के तौर पर रही। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार बैंकिंग सेक्टर में जल्द से जल्द सुधार लाएगी, ताकि आम जनता को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। Please subscribe, and to get notifications about news, please click the bell icon.